यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। मध्य प्रदेश में इन दिनों हर तरफ शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ नजर आती है। शिक्षित बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत कई वर्ग के लोग सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो रोजगार उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही है। रोजगार की मांग लेकर प्रदेश में आए दिन आंदोलन, धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनका कवरेज आप लगातार दस सूत्र पर देख ही रहे हैं। इसी फेहरिस्त में हम आपके सामने प्रदेश सरकार की एक और गंभीर चूक का उदाहरण लेकर आए हैं, जो केंद्र सरकार के बेहद महत्वपूर्ण आजीविका मिशन के NRETP प्रोजेक्ट यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना से जुड़ा है। हो सकता है इस परियोजना का आपने नाम भी ना सुना हो, और सुना भी होगा तो कम ही सुना होगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और सरकार ने जो चूक की है उसका इस वर्ग पर बड़ा असर भी पड़ रहा है। मामला ये है कि केंद्र सरकार से बजट और रिन्यूअल मिलने के बाद भी ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में ठप पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि सरकार के लिए काम कर चुके प्रोजेक्ट से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं। यानी लाखों सरकारी नौकरियां देने का दावा करने वाली सरकार काबिल और पात्र युवाओं को रोजगार देने में वैसे भी पीछे है, और केंद्र की योजनाओं परियोजनाओं के जरिए जो रोजगार मिल रहे हैं उन पर भी सरकार ब्रेक लगाने का काम कर रही है। अब ये पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से समझाता हूं। दरअसल केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में आजीविका मिशन चला रही है। इसी के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना यानी NRETP प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल में चल रहे स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जिससे केंद्र सरकार की लखपति दीदी जैसी अहम योजना भी जुड़ी हुई है, जिस योजना में प्रत्येक महिला को 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है ताकि वो खुद का उद्यम शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से NRETP प्रोजेक्ट का संचालन 18 जिलों में चल रहा था। 2021 से शुरू हुए प्रोजेक्ट के तहत महिला स्व सहायता समूहों के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण पर काफी काम भी हुआ है। समूहों के माध्यम से लाखों परिवारों को आजीविका के मौके मिल चुके हैं, लेकिन अब इन लाखों परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में दिन रात एक करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया है। हम लोग की परियोजना जो थी भारत सरकार की NRETP परियोजना है, उसपे हम लोग 415 लोग करीब वर्क करते हैं। 30 जून को हमारा प्रोजेक्ट था जो खत्म कर दिया गया है। MORD से एक चिट्ठी आई थी जिसपे मध्य प्रदेश शासन से जवाब मांगा गया था कि जो भी ये 415 लोग हैं इन पर अपन क्या एक्शन ले रहे हैं। अदर राज्यों में जहाँ पर हम लोग थे करीब लगभग 6-7 राज्यों में हम लोगों को मर्ज कर दिया गया है, पर MORD का जो पत्र आया था वहाँ पे यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने उस पर कोई भी सोच नहीं ली है। तो आज हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए थे, अपनी बात ऑफिस में यहाँ पर आजीविका भवन में रखने के लिए आए थे कि हम लोगों के साथ में जो पत्र आया है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और एक बात और हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जो भारत सरकार की अहम अभी योजना चल रही है जिसमें लखपति दीदी का कार्यक्रम जो चल रहा है उस पर हम लोग अहम भूमिका निभाते थे, और मध्य प्रदेश के लिए हम बात करें तो इस योजना में सबसे अग्रणी हम लोग ही रहे हैं, और हम लोगों ने लगभग करीब 2.5 साल काम किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुताबिक देश के 13 राज्यों में आजीविका मिशन के तहत NRETP प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के भी 18 जिले जुड़े हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के संचालन, समूहों की समस्याओं के समाधान और निगरानी के लिए प्रदेश में मुंबई की एक कंपनी के जरिए आउटसोर्स कर्मियों को काम पर रखा गया था। जून 2024 में प्रोजेक्ट पूरा होने से हजारों कर्मचारियों की नौकरी छिन गई, वो बेरोजगार हो गए। इस बीच केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन में खाली पदों पर काम देने का आदेश जारी कर दिया और प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ा दिया। केंद्र सरकार से स्वीकृति और बजट आवंटन को देखते हुए असम, राजस्थान, झारखंड और दूसरे राज्यों ने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को आजीविका मिशन और बाकी कार्यक्रमों में एडजस्ट कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र सरकार के आदेश की सुध ही नहीं है, इन लोगों की कोई चिंता ही नहीं है।
केंद्र से आदेश और वित्त मंत्रालय से बजट स्वीकृति के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों को आजीविका मिशन में शामिल नहीं किया गया मध्य प्रदेश में। इस वजह से मिशन में सैकड़ों पद खाली हैं और काम अटके पड़े हैं। साथ ही जो पहले से काम कर रहे थे वो अब बेरोजगार हो गए हैं और इधर उधर आवेदन ज्ञापन देकर सरकार से रोजगार की ये युवा मांग कर रहे हैं। हम लोगों को भी मर्ज किया जाए, जैसे ही 7-8 राज्यों में हम लोगों को मर्ज कर दिया गया है, वैसे ही हम भी मध्य प्रदेश शासन से यही चाह रहे हैं कि आप हम लोग पर भी ध्यान दें, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं इन्वेस्टर मीट करते हैं, फिलहाल पे हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो आप पहले हम पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के वासी हैं और हम लोग भी आपके साथ में जो अहम योजना पे काम कर रहे हैं, SSC ग्रुप में जो जितनी महिलाएं होती हैं उनसे जो भी वर्क कराया जाता है हम लोग उसी पर अहम भूमिका निभाते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जो भी भारत सरकार की अभी योजना चल रही लखपति दीदी बनाने की, उस पर हम लोग अहम भूमिका निभाते थे। ये आउटसोर्स कर्मचारी जून से ही इधर उधर भटक रहे हैं। इनका प्रतिनिधि मंडल अब तक ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर समेत कई जगह एड़ियां घिस चुका है, लेकिन सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर उनसे मुलाकात करने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से भी मिलकर अपनी समस्या बता चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि यहां से कम उन्हें कोई ना कोई निराकरण जरूर मिलेगा, लेकिन मिला क्या, सिर्फ कोरा आश्वासन। आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना वजह बाहर कर देने की वजह से ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत होने वाले सभी काम 3 महीने से ज्यादा वक्त से ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, जिसे लेकर आउटसोर्स कर्मचारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही कोई ना कोई समस्या निकालेंगे, लेकिन विभागीय मंत्री के आश्वासन के बाद भी मामला अटका हुआ है, कोई समाधान नहीं निकल पाया। कर्मचारियों का कहना है कि जैसे MPRLP यानी मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका प्रोजेक्ट और DPIP यानी जिला गरीबी उन्मूलन प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को आजीविका मिशन में मर्ज किया गया है, नौकरी दी गई है, उसी तरह NRTP कर्मियों को भी योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए ताकि उनकी जिंदगी बनी रहे, रोजी रोटी बनी रहे, नौकरी ना जाए उनकी। अब इस काम के लिए सरकार को वैसे भी कर्मचारी लगेंगे, सरकार को चाहिए ही कर्मचारी, लिहाजा पहले से ही काम करने वाले अनुभवी कर्मचारियों को ही सरकार नौकरी दे दे। ऐसे में सरकार को यह फायदा होगा कि उसे प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से कर्मचारियों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही सरकार की हट की वजह से सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट भी नहीं आएगा, और यही ये आउटसोर्स कर्मचारी मांग भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में फिलहाल हर तरफ रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार का ही मसला छाया हुआ है, जिससे कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगार युवा बड़ी उम्मीद लगाए मोहन का रोजगारी सुदर्शन चलने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि मोहन इन बेरोजगारों का उद्धार कैसे करते हैं। तो ये थी आज की CM हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान बार बार आवेदन, निवेदन और शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप दासूत्र की CM हेल्पलाइन को बेझिझक बता सकते हैं। हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप हमारा ये जो एपिसोड जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहाँ आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्याएं लिख भेजिए, और आपकी समस्याएं सरकार और सरकारी सिस्टम तक हम पहुँचाएंगे, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। अगले शनिवार फिर किसी बड़े मुद्दे को लेकर आपसे करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, शुभरात्रि। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।